हेलो फ्रेंड, नीलम के किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हम भिंडी की सब्ज़ी, वो भी नए तरीके के साथ। भिंडी तो हर घर में ही बनती है, पर थोड़ी अलग तरीके से बना रहे हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। भिंडी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भिंडी ली है, 3 प्याज लिया है, 2 टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची। तो अब हम भिंडी को काट लेंगे। देखिए, भिंडी को हम काट लेंगे तो हमें देखनी है, ख़राब तो नहीं है। तो ये भिंडी ख़राब है, इसे हटा देंगे और इसके आगे का डंठल और पीछे का डंठल हटा देंगे और इसे काट लेंगे। इसे तो ये ख़राब नहीं है, ये ख़राब है, ये भी इसको भी हटा देंगे। इसके डंठल काटेंगे और इसको, आप जब भी भिंडी बनाओ तो ये ध्यान रखना है कि बीच में से ऐसे काटना है, कि भिंडी ख़राब होती है तो मालूम नहीं चलता है। तो ऐसे हम टुकड़े कर लेंगे। तो मैं भरवा भिंडी बना रही हूँ तो बड़े बड़े टुकड़े करूँगी। मैं मसाला वाली भिंडी बना रही हूँ, सॉरी भरवा नहीं, तो मसाला वाली भिंडी है तो इसके हम बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे। छोटी भिंडी हो तो 2 टुकड़े करने हैं और बड़ी हो तो 3 टुकड़े कर लेंगे, जिससे हम भिंडी काट लेंगे। ये मैंने भिंडी को काट ली है और प्याज लहसुन और मिर्ची इसको हम थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। ये हमने, हमारा तेल हल्का हल्का गर्म हो गया है, हमने सरसों का तेल लिया है, आप जो खाते हैं वो ले सकते हैं। सरसों का तेल में बहुत अच्छी बनती है भिंडी। तो हम इसमें डालेंगे जीरा, हमारा तेल गर्म हो चुका है, टेम टेम कर देंगे। तो हमने भिंडी काट के रखी थी वो डाल देंगे। भिंडी हमने डाल दी है, अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए है और हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अच्छे से सीख गई है। इसे हम निकाल लेंगे। निकाल लेंगे अब हम ये तेल बच रहा है ना, इसी में ही हम डालेंगे प्याज। तो प्याज मैंने हल्का सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, चॉप करा है थोड़ा, तो ये डाल देंगे। प्याज मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, अच्छे से इसे पकने देंगे। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी, यानी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से 1 मिनट के लिए पकने देंगे। हल्दी को हमें 1 मिनट के लिए पकने देंगे। धनिया, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च डालिए। और थोड़ी सी मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, आधी चम्मच। अब इसमें डालेंगे पानी,
हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसे 2 मिनट अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला ना अच्छे से तेल छोड़ दिया है, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब डालेंगे हम टमाटर का, जो टमाटर लिया था उसको मैंने पीस लिया था। अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे 2 मिनट के लिए। इसमें डाल देंगे हम नमक, स्वाद अनुसार नमक। और अच्छे से पकने देंगे इसे। ये देखिए हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक के तैयार है। टमाटर भी पक गया है मसाला के साथ अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, हल्का सा पानी। और थोड़ी देर इसे पका लेंगे। ये देखिए हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गए हैं। अब डाल रहे हैं इसमें कस्तूरी मेथी। अब डालेंगे हम पहले से ही फ्राई करी हुई भिंडी, इसे हम डाल लेंगे। अभी 3 से 4 मिनट पका लेंगे अच्छे से भिंडी में मसाला, अच्छे से मसाला को सोख ले भिंडी। अब डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया। हरा धनिया को अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट पका लेंगे बस। ये देखिए हमारे मसाला भिंडी बनके तैयार है। और मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस। नींबू का रस डाल दिया मैंने, 1 नींबू का रस लिया था तो खट्टा पानी के लिए अच्छा टेस्ट बच जाएगा खट्टा। तो भिंडी में नींबू डालना तो बनता है, वो ज़रूर डाल लिए इससे ये कि ज़्यादा टेस्ट बच जाता है नींबू से। और हमारे मसाला भिंडी बनके तैयार, कितनी अच्छी दिख रही है ना, खाने में तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आ रहे हो ना आपके भी देख कर मुँह में पानी के, कितनी अच्छी हमारे मसाला भिंडी बनके तैयार हुई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने निकाल ली है और कितनी अच्छी दिख रही है ना, और आप ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत बहुत टेस्टी बनती है मसाला भिंडी और बिल्कुल सिंपल तरीका से ही बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसमें हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। तो फ्रेंड आप भी बनाकर ट्राई करना, मसाला भिंडी बहुत बहुत टेस्टी बनती है। यकीन मानिए आप एक रोटी खाएंगे जहाँ दो दो रोटी खा लेंगे, और आपके परिवार वाले भी बहुत बहुत तारीफ करेंगे आपकी। और आप भी ज़रूर बना के ट्राई करना। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।